जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई 1-2 करोड़ की गाड़ी में आकर बैठ गया हूँ। सेकंड रो के लिए भी सनरूफ मिल जाता है, जो कि आप फॉर्च्यूनर में मिस करेंगे। एमजी ने तो वास्तव में कमाल कर दिया। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं भाई, 40-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो क्या इस तरीके के फीचर्स मिलने चाहिए? दिस इज रियल बिग डैडी एसयूवी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एमजी क्लॉस्टर, जो कि ब्लैक स्टॉर्म के साथ में आई है। इसमें 2 कलर्स मिलते हैं, एक तो ब्लैक एंड दूसरा ग्रे। मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ इसका ग्रे कलर। गाइस, इसके राइवल्स हैं फॉर्च्यूनर एंड जीप की मेरिडियन, और एंडेवर तो अब आती नहीं है, ठीक है। तो भाई, इसकी तरफ आपको क्यों जाना चाहिए, क्या है इसमें ऐसा खास, आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ सभी के सामने एक बार फिर से बेस्ट इन सेगमेंट फीचर लोडेड एक एसयूवी के साथ। सबसे पहले तो इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, इसको चारों तरफ से देख लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है। जितनी स्मार्ट ये कार है उतनी ही स्मार्ट इसकी की भी है। तो शुरुआत इसकी चाबी से करते हैं। इसके साथ में कुछ इस तरीके की चाबी मिल जाती है, 2 चाबियाँ मिलती हैं ये देखिए, जो कि रिमोट हैं। यहाँ पर एमजी की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर 3 फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए। और इसी के साथ साथ इसमें एक फिजिकल की भी मिलती है, जो कि यहाँ से ये ओपन होगी। ये देखिए मैंने ओपन कर ली है, कुछ इस तरीके की वेब की इसमें मिलती है। ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, सेंटर में एमजी का 3D में बड़ा सा लोगो मिल जाता है, जो कि इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना रहा है। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक कैमरा मिल जाता है। इस कार में 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है, तो फ्रंट में कैमरा यहाँ पर मिलता है। और रेडिएटर ग्रिल का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है, ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज है एंड यहाँ पर ये ओपन है। फ्रंट बम्पर देखिए, स्किड प्लेट यहाँ पर देखिए, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहा है। यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनिक फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, इसमें अडास भी दिया गया है। हेडलाइट्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर देखिए LED DRLs मिल जाते हैं, यही साइड टर्न इंडिकेटर का भी काम कर देते हैं। 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसके लुक को स्पोर्टी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए रेड कलर दिया है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। फुल LED टैग को यहाँ पर मेंशन किया है। नीचे की तरफ यहाँ पर फॉग लैम्प मिल जाता है, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ में है। और साइड्स में ये देखिए काफ़ी बेहतर डिज़ाइन निकल कर आता है। इसके DRLs भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। फॉग लैम्प भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए हैलोजन बल्ब के साथ में है, जो कि कुछ इस तरीके का इसको लुक प्रोवाइड करा रही है। फ्रंट विंडशील्ड पर रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, और जो इसके ब्लेड्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, एमजी वाइपर्स काफ़ी बेहतर देती है। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। कंपनी ने इसमें फ्रंट में डुअल विजबन सस्पेंशन ऑफर किए हैं। 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिए अलॉयज ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। और मैं आपको टायर भी दिखा देता हूँ, गुडसियर का बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है। टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 255/55/R19। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट में रेड कलर के कैलिपर्स मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर में MG की ब्रांडिंग है। ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है, जो कि नीचे MG को शो कर रही है। इस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में ब्लैक कलर के ORVM मिलते हैं, विथ रेड का जो कॉम्बिनेशन है अगेन इसको स्पोर्टी बना रहा है। यहाँ पर देखिए साइड टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर देखिए एक कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है। यहाँ पर देखिए एक बैज लगा हुआ है, डायनेमिक को मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए ब्लैक का कॉम्बिनेशन, इसमें डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ए पिलर बॉडी कलर में मिलता है, बी एंड सी पिलर देखिए ब्लैक कलर में मिलते हैं। रूफ रेल्स का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है, जो कि ब्लैक कलर में मिल जाती है। सनरूफ मिल जाती है बड़ी सी, ये देखिए। अब इसमें आप एंटीना देख रहे होंगे कहाँ पर है। डोर क्लैडिंग देखिए, फुट पैड भी लगा हुआ है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी लिंक डुअल सस्पेंशन ऑफर किए हैं।
अगेन 19 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं फ्रंट एंड रियर दोनों में ही। ये देखिए गुडसियर के टायर हैं, टायर प्रोफाइल भी सेम है, सेंटर में MG की ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और एक चीज़ और इसकी काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, रियर में भी रेड कलर के कैलिपर्स मिल जाते हैं जो कि इस कार को बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी बना रहे हैं। लेफ्ट साइड में फ्यूल लिड दिया गया है, 75 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ये है इसकी रियर प्रोफाइल, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, रियर विंडशील्ड पर डिफॉगर, वाइपर, सेंटर में MG की ब्रांडिंग मिल जाती है, टेल लाइट फुल LED सेटअप के साथ में आती है, साइड टर्न इंडिकेटर को कंपनी ने हैलोजन बल्ब में दिया है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में इंटरनेट इनसाइड को मेंशन किया है, ये ब्लैक कलर में है एंड आई रेड कलर में मिल जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक कैमरा मिल जाता है। लेफ्ट साइड में फोर व्हील ड्राइव को मेंशन किया है एंड अडास को मेंशन किया है, अडास रेड कलर में है। यहाँ नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि दोनों साइड में हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर में ग्लॉस्टर को 3D में मेंशन किया है, उसके नीचे अल्ट्रासोनिक रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रियर बम्पर देखिए, रियर स्किड प्लेट, एग्जॉस्ट यहाँ पर दो दिख रहे हैं लेकिन पाइप सिंगल है। और इसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए स्पेयर व्हील नीचे की तरफ मिल जाता है और यहाँ पर भी ये रेड कलर दिया है जो कि इसके लुक को वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहा है। तो भाई फाइनली मैंने आपको इसका एक्सटीरियर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आइए अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, ये देखिए ड्राइवर साइड के डोर का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है जो कि फुल एंड ब्लैक कलर में मिलता है भाई, ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है। ओ भाई सॉफ्ट टच दिया गया है, स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। डोर हैंडल का पैटर्न देखिए यार, मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि भाई इसमें इनसाइड डोर हैंडल किधर है। ये देखो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट टच दिया गया है, कार्बन ब्लैक एंड ग्रीन का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एक ये स्पीकर, यहाँ पर देखिए सभी फीचर बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक एंड विंडोज़ कंट्रोल करने के लिए, ग्रैब हैंडल, आर्म रेस्ट, यहाँ पर नीचे की तरफ फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए बोतल होल्डर एंड यहाँ पर कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। ये नीचे की तरफ हार्ड प्लास्टिक मिलती है एंड ऊपर ये सॉफ्ट टच दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। MG की यहाँ पर ब्रांडिंग है, रेसिंग फ्लैग मिल जाता है। ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर जो है कुछ इस तरीके का लगता है। बात कर लेते हैं ड्राइवर सीट की, ये देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आई थिंक 8-way एडजस्टेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेमोरी फंक्शन बटन मिल जाते हैं। और फर्स्ट रो में वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की गई हैं। सीट की क्वालिटी की अगर बात की जाए लिटरली गाइस ऑसम है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, अभी तो अंदर बैठेंगे तब देखते हैं। राइट साइड में यहाँ पर AC वेंट दिया गया है ग्रे फिनिशिंग के साथ में, यहाँ पर देखिए ORVM कंट्रोल मिल जाता है, ये देखिए एक यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है कुछ रखने के लिए, उसके नीचे यहाँ पर बोनट ओपन करने के लिए, और यहाँ पर दो पैडल्स मिल जाते हैं, एक्सेलेटर एंड ब्रेक। इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया गया है, गजब। यहाँ पर देखिए एक स्पीकर मिल जाता है सेंटर में, फुटपैड जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अंदर जाने के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ अंदर आकर तो वास्तव में बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई, आप भी अंदर आ जाइए। इसके स्टेयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिए यहाँ पर भी सॉफ्ट दिया गया है, कुछ इस तरीके का इसका सेप है, ब्लैक एंड सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पर मिल जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल्स, सेंटर में MG की ब्रांडिंग है, यहाँ पर देखिए मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉइस कमांड देने के लिए, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर मिलता है एंड राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर मिल जाता है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, प्रेस करते हैं और बटन को प्रेस करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से हो जाती है,
ये देखिए इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन भाई डिजिटल से कम भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में पूरा फील देने के लिए स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड राइट साइड में पूरा फील देने के लिए आरपीएम मीटर मिल जाता है। सेंटर में बहुत बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फीचर लोडेड है ये कार, लाइट्स मिल जाती हैं बटन्स पर जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा रिच बनाती हैं। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, इग्निशन के ऑन होते ही ये भी ऑन हो जाती है, अभी तो ब्लू कलर की ऑन है। सेंटर में बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। टच स्क्रीन की क्वालिटी भी देख लेते हैं किस तरीके की है। चलो ये तो अभी होम पर है, 360 डिग्री कैमरा ओपन कर लेते हैं। ये देखिए लेन असिस्ट इसमें मिल जाता है। ये देखिए ओ भाई ये तो बिल्कुल ही गजब वाली बात है। ये देखो ये देखो साइड में, रियर, इस साइड में एंड फ्रंट, 360 डिग्री आप बैठे बैठे अंदर देख सकते हो कहाँ क्या हो रहा है। कैमरे क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो भी सही लग रही है। यहाँ से बैक चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले तो इसमें मिल ही जाएगा। ये लॉक हो गई, अरे भाई ओके आई एम हियर। ओ हाय हाउ आर यू, वॉइस कमांड ऊपर की तरफ मिल जाता है। मोर, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो ये देख लीजिए, नेटवर्क अभी आ रहे हैं, टाइम वगैरह बहुत सारी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसकी टच रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वो भी काफ़ी सही है। को ड्राइवर साइड डोर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सेम है, बस यहाँ पर एक ही कंट्रोल बटन मिलता है ग्लास कंट्रोल करने के लिए ऊपर की तरफ। यहाँ पर इसकी क्वालिटी यार काफ़ी सही लगी मुझे, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सनवाइज़र एंड यहाँ पर ये देखिए वैनिटी मिरर, यहाँ पर देखिए रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं जो कि LED में है। यहाँ से ही आप इसके बूट को ओपन कर सकते हो और इसी के साथ साथ इसकी सनरूफ ओपन करने के लिए। ये इसका कर्टेन ओपन करने के लिए, सनरूफ ओपन करने के लिए, देखते हैं कहाँ तक पीछे जाता है। इसको भी ओपन ही कर देता हूँ। ये देखो काफ़ी बड़ा इसमें सनरूफ मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर ये नेट लगी है एंड यहाँ पर वन प्रेस में ही ये बंद भी हो जाएगा। ये देखिए ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। ड्राइवर साइड में भी सनवाइज़र देख लेते हैं। ये देखिए विथ लाइट्स मिल जाती हैं और इसी के साथ साथ इसमें येलो वाली लाइट्स मिलती हैं। अरे भाई मैं यही चीज़ तो ढूंढ रहा था जो कि मुझे राइट साइड में मिला, सेंटर में नहीं है क्या। ये देखो सनग्लास होल्डर, काफ़ी सही जगह इसको प्लेस किया है। सेंटर में यहाँ पर दो वेंट्स मिल जाते हैं जो कि AC वेंट हैं। यहाँ पर ये हज़ार्ड लाइट मिल जाता है और इसी के साथ साथ 3-zone ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें AC मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होता है, एक USB-A पोर्ट मिलता है एंड यहाँ पर 12 वोल्ट का एक पोर्ट मिल जाता है। इसमें वायरलेस चार्जिंग आई थिंक नहीं मिलती है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं ऐसे खड़ा खड़ा, क्योंकि लेटने वाली तो व्यवस्था है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर ये गियर नॉब मिल जाता है जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई 1-2 crore की गाड़ी में आकर बैठ गया हूँ। देखो भाई क्या ज़बरदस्त इसमें गियर सिस्टम दे दिया। बहुत सारे यहाँ पर फीचर बटन्स मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेफ्टी से रिलेटेड इसमें फंक्शंस दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है पियानो ब्लैक एंड इसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो कि इसमें ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ पर 2 cup holders मिल जाते हैं। ये देखो आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि यहाँ पर बटन दिए गए हैं नीचे की तरफ, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अरे भाई इसमें तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर एक बटन मिल जाता है एड ब्लू जो होता है, उसकी लाइट वगैरह आ जाती है उसको यहाँ से बंद करने के लिए। ये देखो इंडिविजुअल भी इसको ओपन कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं नी रूम एंड लेग रूम की। ये देखो भाई, ड्राइवर वाली जो सीट है वो मैंने पूरी की पूरी पीछे करके रखी हुई है। आराम से मैं अपने पैरों को फैला सकता हूँ, इतना स्पेस इसमें मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सीट जो है कितनी कंफर्टेबल है। भाई एक शब्द में मैं कहूँगा, लाजवाब। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही सही इस पर बैठ कर फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और स्पेस की अगर बात की जाए तो भाई इसमें स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। ये देखो, हेडरूम काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है, बिग एसयूवी है, ठीक है, तो स्पेस की तो ऑब्वियसली कोई कमी नहीं होनी चाहिए दूर से ही। लेकिन भाई प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और मैं अपनी हाइट भी आपको बता देता हूँ। मेरी हाइट 5.6 इंचेस के आसपास है, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई फाइनली मैंने आपको इसका फर्स्ट रो दिखा दिया है, सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। आइए बाहर निकलते हैं और चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है और कितना कंफर्ट मिलता है। चलते हैं इसकी सेकंड रो में। डोर का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। अगेन यहाँ पर एक बटन मिलता है ग्लास को कंट्रोल करने के लिए, बाकी का सब कुछ सेम ही है। ये देखिए, इसका प्लेट यहाँ पर भी मिल जाती है, MG की ब्रांडिंग है। फुटपैड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है चढ़ने के लिए उतरने के लिए, यहाँ से आप इसकी सीट को एडजस्ट कर सकते हो। ये 6-सीटर में है, कैप्टन सीट्स के साथ में आती है, और इसी के साथ साथ इसमें 7-सीटर का भी ऑप्शन है। भाई मैं सेकंड रो में आ गया हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको लेग रूम एंड नी रूम दिखा देता हूँ। ड्राइवर वाली जो सीट है वो मैंने पूरी की पूरी पीछे करके रखी हुई है, ठीक है, और तब इतना लेग रूम इसमें मिलता है। मैगजीन होल्डर दोनों साइड में मिल जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी ये AC कंट्रोल मिल जाता है। ये देखो, यहाँ से आप ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हो। ओ भाई, मैं AC वेंट देख रहा था, यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं। चलो भाई अच्छी बात है, यहाँ पर ये कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटो ऑफ का, ठीक है। और नीचे की तरफ यहाँ पर ये देखिए, पुश करने से यहाँ पर नीचे की तरफ एक USB-A पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट का एक पोर्ट मिल जाता है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यार इसमें Type-C पोर्ट नहीं दिया गया है, कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर ये स्पेस मिल जाता है फ़ोन ऑन रखने के लिए। यहाँ पर सेंटर में ज़रा सा हम्प दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये अच्छी बात है। इस साइड का भी मैं आपको डोर दिखा देता हूँ, सेम इंटीरियर है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कोटोक मिल जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये लाइट भी मिल जाती है, रीडिंग लाइट। यहाँ पर ये AC वेंट दिया गया है, ये देखो, और इसमें सीट बेल्ट एडजस्ट भी कर सकते हो, ये देखो। दोनों साइड में बी पिलर पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, चढ़ने उतरने में आसानी रहेगी। यहाँ पर भी मिल जाता है ऊपर की तरफ, ये देखिए राइट साइड में लाइट मिल जाती है। सेकंड रो के लिए भी सनरूफ मिल जाता है, जो कि आप फॉर्च्यूनर में मिस करेंगे। यहाँ पर बैठकर मौसम को एंजॉय करने की बात ही अलग हो जाती है। यहाँ पर देखिए, प्रॉपर आर्मरेस्ट दिया गया है दोनों सीट्स के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो टू कप होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों सीट्स के लिए। यहाँ पर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए इधर स्पेस मिल जाता है। तो भाई बात कर लेते हैं कंफर्ट की। भाई ग्लॉस्टर में कंफर्ट की कोई भी कमी नहीं है, सीट इसकी बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। अगेन मैं आपको अपनी हाइट बता देता हूँ, 5.6 इंचेस के आसपास है। ये देखो, 6 फीट वाला भी बंदा आराम से बैठ सकता है भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसको भी, ठीक है। और सीट तो है कंफर्टेबल, वो तो मैं आपको बार बार क्या ही बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैंने आपको इसका सेकेंड रो भी दिखा दिया है, सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। सेकेंड रो से मैं आपको इसकी थर्ड रो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की है। एक चीज़ मुझे 6-सीटर में अच्छी लगती है, जिसमें कैप्टन सीट्स होती हैं, आराम से ये गैलरी मिल जाती है, सीट को फोल्ड अनफोल्ड करने का झंझट ही ख़त्म, ठीक है। यहाँ से देखिए, मैं इसको फिट कर लेता हूँ, ये देखो
आराम से बैठ गया आके। तो भाई मैं आ गया हूँ इसकी थर्ड रो में, इधर बैठ जाता हूँ। ये देख लो यार, इसमें तो एडल्ट भी आई थिंक आराम से जा सकते हैं घूमने फिरने। थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी लेकिन भाई घूमने तो जा ही सकते हो, घूमने को कौन मना कर देगा। ये देखो कुछ इतना इसमें लेग रूम मिल जाता है और नी रूम भी इतना ही है। हेड रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हेड रूम की इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखो। और इसी के साथ साथ पीछे की तरफ ये सपोर्ट मिल जाता है, मैं आपको दिखाना। ओ ये देखो हेडरेस्ट मिलता है यार, ये चीज़ इसकी मुझे काफ़ी सही लगी लिटरली। यहाँ पर देख लेते हैं 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं, ये देखो ठीक है। दो सीट बेल्ट्स, यहाँ पर ये हुक मिल जाता है, जी हाँ ये देखिए हुक दिया गया है। यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर ये बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ क्या है, अरे भाई यहाँ एसी वेंट दिया गया है साइड में, ठीक है। और ये सीट बेल्ट्स, एंड यहाँ पर देखिए रीडिंग लाइट्स पीछे भी मिल जाती हैं, यहाँ पर ये एसी वेंट। अरे भाई यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट का बोर्ड दिया गया है, क्या बात है, एम जी ने तो वास्तव में कमाल कर दिया। 3-3 यहाँ पर अभी तक 12 वोल्ट के पोर्ट मिल गए हैं, क्या इसके बूट में भी होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी एक हुक मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर, एंड यहाँ पर कुछ ये अटैच वगैरह करने के लिए। तो भाई मैंने आपको इसकी थर्ड रो भी दिखा दी है, जो कि फर्स्ट रो ज़्यादा कम्फर्टेबल है, सेकेंड रो और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और थर्ड वाली जो है एडल्ट के लिए थोड़ी सी मुश्किल में डाल सकती है लॉन्ग रूट पर, लेकिन शॉर्ट रूट के लिए भाई एकदम परफेक्ट है। किड्स के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आराम से किड्स इसमें खेलते खेलते कहीं भी जा सकते हैं। तो भाई अब बाहर निकलते हैं, इसके टेल गेट को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना बूट स्पेस मिलता है। वैसे मैं आपको यहीं से दिखा दूँ, कुछ इतना इसमें स्पेस मिल जाता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर इसको ओपन करके भी दिखाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। आइए अब इसका टेल गेट ओपन करते हैं, बूट स्पेस देखते हैं। यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, हाइड्रोलिक मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ये देखिए। और ओपन होने के बाद कुछ इतना स्पेस इसमें मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है। और अरे भाई 12 वोल्ट 120 वाट का एक और यहाँ पर पोर्ट मिलता है, चार चार इसमें 12 वोल्ट के पोर्ट मिल जाते हैं, भाई एमजी ने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर देखिए, ये देखिए जैक वगैरह टूल किट वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, हुक मिल जाता है, और इस साइड में भी हुक मिल जाता है, यहाँ पर ये हुक दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी इनकी बिल्ड क्वालिटी है। और मैं इनकी सीट को भी फोल्ड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें बूट स्पेस हो जाएगा, ये देखो स्पेस ही स्पेस हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। इसको बंद करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये देखिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। टेल लाइट्स भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए जो कि कुछ इस तरीके का इसको लुक प्रोवाइड करा रही हैं। तो भाई फाइनली मैंने आपको इसका एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ दिखा दिया है डिटेल में। आइए अब इसका बोनेट ओपन कर लेते हैं, बात करते हैं इसके इंजन की। उसके लिए यहाँ से इसको ओपन करना होगा। कंपनी ने इसमें MG 2.0 डीजल ट्विन टर्बो इंजन लगाकर दिया है, जो कि BS6 फेज 2 वाला है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें 1996 cc का इंजन मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर है 212.55 bhp की 4000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 478.5 न्यूटन मीटर का। इसका टॉर्क जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, और एक चीज़ और काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी, ये देखिए फिनिशिंग, ऐसा लग रहा है 1.5-2 करोड़ की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन को जिस तरीके से प्लेस किया जाता है वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया गया है। और इसमें एक साइड की बैटरी ऑफर की गई है, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से इंजन नॉइस अंदर ना जा पाए।
और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉशर मुझे नहीं दिखे थे, यहाँ पर ये वॉशर्स मिल जाते हैं। एक चीज़ और इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर ये लगाने वगैरह का कोई भी झंझट नहीं है, हाइड्रोलिक मिलता है सिस्टम इसमें, ये देखो। अरे वाह, थोड़ा सा हार्ड करना चाहिए था। ये देखिए, मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मॉरिस गैरेजेस को, यानी कि MG के इस शोरूम को, जिन्होंने ये कार मुझे आप तक पहुँचाने के लिए प्रोवाइड की है। यदि आपको MG का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। इनका ये MG का शोरूम फरीदाबाद में मेवला महाराजपुर में अवेलेबल है। यदि आप यह वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहां जाकर आप जरूर बताएं कि आप टेक्निकल SST YouTube चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं, हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। आइए बात करते हैं इसके सेफ्टी की। इसमें ABS मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिलती है, पावर डोर लॉक्स मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है, नंबर ऑफ एयरबैग्स इसमें 6 मिल जाते हैं, पैसेंजर एयरबैग मिलता है, साइड एयरबैग मिलता है, डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है जो कि ऑटो डिमिंग के साथ में है, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है, सीट बेल्ट्स रियर में भी मिल जाती हैं, सीट बेल्ट्स वार्निंग मिल जाती है, डोर अजार वार्निंग मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, क्रैश सेंसर मिलता है, इंजन चेक वार्निंग मिल जाती है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाती हैं, EBD मिलता है, ESC मिलता है और भी बहुत सारे सेफ्टी से संबंधित इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस कार की प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस, MG कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 1,00,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो आप इससे 12-13 के आसपास एवरेज निकाल सकते हो, फिर वो आपके ड्राइविंग पर डिपेंड करता है और आपकी कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनके प्राइस की। ग्लॉस्टर में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, वेरिएंट्स की कोई भी कमी नहीं है। 7 सीटर में भी आती है, 6 सीटर में भी आती है, जिसमें आपको कैप्टन सीट्स मिल जाएंगी सेकेंड रो में, और इसी के साथ साथ ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नहीं आती है, सभी वेरिएंट इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, ये डीजल वेरिएंट में आती है, ठीक है। कलर भी इसमें आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। प्राइस की बात कर लेते हैं, इसके बेस वेरिएंट की एक्सोर में स्टार्टिंग होती है 32,60,000 से, और जिसका टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि जो ये वाला है, इसकी एक्सोर में स्टार्टिंग होती है 42,00,000-43,00,000 से, ठीक है। और ये कार ऑन रोड लगभग आपको 53,00,000 के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है वो अलग अलग होती है, प्लस माइनस 10-20,000 रुपये लेकर चल सकते हो। आइए गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। इस सेगमेंट में जितनी भी कार आती हैं उन सब में से इसमें आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें कुछ कॉन भी हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, ठीक है, इसमें नहीं मिलता है। चलो भाई, कहीं ना कहीं तो कम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। ग्लॉस्टर एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक कार भी है, क्योंकि एक ये प्रॉपर SUV है और 4x4 के साथ में आती है, तो भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है कहाँ पता लगेगी, रोड पर पता लगेगी और ऑफ रोडिंग करते टाइम पर पता लगेगी। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस कार की प्रॉपर ड्राइव करने वाला हूँ और इसके साथ में जो भी मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। यदि मुझे उसमें कुछ भी कौन लगेगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप टेक्निकल SST YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST Instagram पर भी फॉलो कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, जैसे ही पब्लिश होगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी मैंने इसका वर्कआउट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये क्लस्टर जो है 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हां भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।